सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व के जो चार्ट्स है आईसी मटेरियल बोलते हैं उनके बारे में मैं सिखाने वाली हूँ। बहुत ही हम लोगों ने इस पर बहुत मेहनत की है। डॉक्टर रत्ना थार है जिसने यू नो रेसिपीज़ के जो ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं और बहुत सारे जो पोषण के ट्यूटोरियल जो बनाए हुए उसमें उनका बहुत ही साथ रहा है। मैं बहुत सीखी हूँ उनसे और वो और दीपाली मैडम दोनों न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो दोनों को मतलब मैं उनकी आभारी हूँ कि उनके कारण हमारे पास ये इतने ब्यूटीफुल चार्ट्स हैं। तो आप देखिए कि ये अगर चार्ट्स आप दिखाएंगे माताओं को या फैमिली को तो उनको कितना ज्ञान होगा। ठीक है, क्योंकि ज्ञान की इतनी हमारे आवश्यकता है। यू नो हमारे पास ज्ञान नहीं है, यू नो फील्ड में ज्ञान की बहुत ही कमी है। तो ये माध्यम से आप उनको सिखा सकते हैं कि कौन से खाने में अलग अलग पोषण तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो है आपका प्रोटीन युक्त शाकाहारी स्रोत। तो ये सबसे पहले तो अगर बच्चा 2 साल के बाद अगर माँ का दूध नहीं ले रहा है तो बच्चे को आप ऊपर का दूध, जो कि मेरी सलाह ये है कि जितने सालों तक अगर बच्चा माँ का दूध पिएगा उसके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है और उसकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको माँ का दूध डेफिनेटली माँ को बोलना है कि अपना दूध ही दें। लेकिन 2 साल के बाद आप ऊपर का दूध, अगर माँ को कुछ परेशानी है या मुश्किल है तो वो ऊपर का दूध चालू कर सकती है। दूसरा दूध है वो उसमें मलाई रखनी है, मलाई नहीं निकालनी है। ध्यान में रहे आपको कि वो प्रोटीन और जो दूध की जो चर्बी है वो भी बहुत ही अच्छी चर्बी है। ठीक है, दूसरा ये है कि किशोरी वय की लड़कियों को, बच्चों को यू नो हर रोज एटलीस्ट 500 ml दूध मिलना चाहिए हो सके तो। ठीक है, बहुत लोगों के घर पे ट्राइबल एरियाज में उनके पास गाय होती है, भैंस होती है, तो आपको बोलना है कि सारा दूध यू नो डेयरी में जमा ना करें, थोड़ा दूध रखे अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे आगे जाके वो यू नो लंबे हो सकते हैं, उसका दिमाग तेज हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा वो बताना है कि यू नो 500 ml तक का दूध बच्चों के पेट में जाना चाहिए। ठीक है, 2 साल के बाद। दूसरा ये है दही है, दही में जो अच्छे कीटाणु है बहुत अच्छे कीटाणु होते हैं। तो जो बच्चा दही खाता है उसको डायरिया जो जुलाब होते हैं उसके रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो माँ को भी बताना है कि वो अपने आहार में भी ले, प्रेग्नेंट मदर्स को 1 वाटी दही जो होती है, 1 कटोरी दही 250 ml की, उसमें लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। वैसे ही जैसे 1 ग्लास में 250 ml का अगर ग्लास है तो 8 ग्राम प्रोटीन दूध में होता है। ठीक है, ये जो है पनीर है, तो पनीर का रेसिपीज़ उनको सिखा सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस है। तो पनीर में जो पानी जो निकले वो पानी आपको फेंकना नहीं है, माँ को बोलो कि पानी को भी सब्जी में या तो चावल में, चावल तो इतना नहीं खाना है लेकिन सब्जी में, दाल में वो और सब यू नो डाल सकती है। ठीक है, पकाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पनीर, 50 ग्राम लगभग 45 से 50 ग्राम पनीर में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, ध्यान में रहे कि सारों में जो मलाई है मलाई नहीं निकालनी है क्योंकि मलाई में बहुत अच्छी चर्बी होती है, उससे बच्चे को अच्छी कैलोरी मिलेगी। ठीक है, ये है अपना अंकुरित सोयाबीन। तो सोयाबीन तो बहुत सारे स्टेट्स में सोयाबीन उगता है, एग्रीकल्चर होता है उसका। तो आपको माँ को बताना है कि वो सोयाबीन को अंकुरित करना है और फिर बच्चे को दाल बनानी है। ठीक है, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, माँ के लिए भी है, सबके लिए है, अडल्ट्स के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, सबके लिए है। ठीक है, सिर्फ मैं बच्चों पे फोकस नहीं करती हूँ। दूसरा ये है कुल्थ की दाल, कुल्थी की दाल में बहुत प्रोटीन होता है। ठीक है, ध्यान में रहे कि कोई भी जो यू नो जो दालें हैं उनको आपको भिगाना है और अंकुरित भी करना है। ठीक है, मूंगफली है, मूंगफली के पाउडर मैंने सिखाए हुए आपको मालूम है रेसिपीज में, मूंगफली का पाउडर आपको खाने में डालना है। ठीक है, विभिन्न आपको ध्यान में रहे कि जो छोटा बच्चा है उसको मूंगफली ऐसे उसका दाना नहीं देना है क्योंकि वो यहाँ पे अटक सकता है, तो आपको ज़रा ये ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा है कि ये अलग अलग अंकुरित दालें हैं,
सब अंकुरित हो सकता है, काला चना, सफ़ेद चना, वटाना, मूंग, मठ, यू नो मोठ होता है जो, मसूर होता है, सारा जो है बिल्कुल उसका आप अंकुरित ला सकते हो। राजमा का भी अंकुरित ला सकते हो। अंकुरित लाना ज़रूरी है, क्योंकि अंकुरित नहीं लाएंगे तो पेट में वो गैस हो जाएगा। बहुत सारे जो अच्छे मिनरल्स है, जो धातु है, वो उसका शोषण भी कम हो जाएगा, तो अंकुरित लाएंगे तो वो सब प्रॉब्लम चला जाएगा। ठीक है, सारे जो मिलेट्स है, अभी तो भारत में हम लोगों ने मिलेट्स पे बहुत काम चालू किया हुआ है, तो वो जो सारे मिलेट्स है, वो मिलेट्स भी आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, अलग अलग दालें हैं, मिश्रित बीज है, तो बीज भी आपको इस्तेमाल करने हैं। बहुत सारे अलग अलग बीज होते हैं, दाने और बीजों का पाउडर, तो ये तो मैंने रेसिपीज़ बताई हुई है। बीज में दूसरे पाउडर्स है आपके, मतलब दूसरे जो बीज है वो है भोपले का बीज, तरबूज का बीज, यू नो राय है, जीरा है, अजवाइन है, वो सारे बीज है, तिल है। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में इस्तेमाल करने हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपके अंकुरित मेथी के बीज, वो भी बहुत ही अच्छी तरह यू नो आपने देखा है कि बहुत अच्छी तरह उसको अंकुरित होता है, तो उसमें आपको बहुत सारे अदर विटामिंस भी मिलेंगे। ठीक है, यह है कुट्टू, इंग्लिश में हम लोग उसको बकव्हीट बोलते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसकी आप रोटी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट कम है जितना चावल या रोटी में होता है, गेहूं में उतना कार्बोहाइड्रेट कुट्टू में नहीं है, थोड़ा कम है। इसमें मिनरल्स जो होते हैं, धातु होते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। जो फ्रेंच बीन्स है, जो उसको बोलते हैं फंसी बोलते हैं, फरस भी बोलते हैं, तो उसको भी आपको खाने में खानी है, हफ्ते में एक दो बार खानी है। सहजन के पत्ते का पाउडर, तो सहजन के पत्ते के पाउडर में भी बहुत ही प्रोटीन होता है। वैसे ही सूखे पत्तों की सब्ज़ी, तो अगर आपने पालक है या मेथी है या कोई भी जो सूखे पत्ते हैं, तो वो आपके दाल में डाल सकते हैं, खाने में सब्ज़ी में डाल सकते हैं, तो उसमें भी आपको प्रोटीन की मात्रा मिलेगी। जैसे अगर आपने 100 ग्राम की जो पालक अगर है 100 ग्राम, तो आपको लगभग 3 ग्राम उसमें प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो 100 ग्राम का पाउडर आपका, मतलब जब भी 100 ग्राम की सब्ज़ी आप यूज़ करेंगे, पालक की भाजी, तो वो पाउडर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रहे कि कौन से जो वेजिटेरियन सोर्स है, उसमें कौन से खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेजिटेरियन सोर्स। अभी जो ये है, ये आपका प्रोटीन युक्त मांसाहारी स्रोत, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले तो अंडा दिया हुआ है। अंडे का फंडा ये है कि जो बच्चा एक अंडा रोज खाएगा, वो डॉक्टर से दूर रहेगा। ठीक है, या डॉक्टर डॉक्टर के करीब नहीं आएगा। तो ये आपको डेफिनेटली एक अंडा देना है। उसमें सारे प्रकार है, प्रकार एक भी है, प्रकार दो भी है। विटामिन सी नहीं है, लेकिन वो आप कुछ और खिला सकते हैं बच्चे को, लेकिन उसमें सारे प्रकार के प्रकार एक और प्रकार दो के तत्व है। ठीक है, अगर बच्चे को 9 महीने के बाद अगर बच्चे को दूसरा अंडा चाहिए, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा नॉनवेज में है कलेजी है, भेजा है, जिगर है, जो ऑर्गन मीट बोलते हैं। ठीक है, वो उसमें भी बहुत सारे तत्व है, प्रोटीन है, अच्छी चर्बी है, कोलीन है, मतलब जितना भी मैं आपको क्या बताऊँ, तो मटन में भी बहुत अच्छा प्रोटीन है, मतलब क्लास वन प्रोटीन है, उसको बोलते हैं पूर्ण प्रोटीन। पूरा जितना भी प्रोटीन ये मांसाहारी खाने में होता है, पूरा शोषण होता है। वेजिटेरियन सोर्स में लगभग यू नो 70-75% एब्जॉर्ब होता है, तो आपको ज़रा ध्यान में रखना है कि वो जितना आप संपूर्ण प्रोटीन देंगे, तो मांसाहारी फैमिली है तो उनको बताना है कि 6 महीने से वो बच्चों को मांसाहारी खिला सकते हैं। ये अलग अलग तरह की सारी फिश है, मछलियाँ हैं सारी अलग अलग, जो जो आपके वहाँ पे होती है वो आप दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, सूखी मछली भी बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र में सूखी मछली बहुत बिकती है, तो ये इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसका पाउडर भी बना सकते हैं। ठीक है, बच्चों के खाने में डाल सकते हैं। समुद्र खाने में भी बहुत सारा जिंक है, प्रोटीन है, B12 है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है। मछली के जो अंडे हैं वो भी बहुत ही पौष्टिक है, तो आपको ये डेफिनेटली बच्चे के खाने में आप ये डाल सकते हैं। चिकन जो है, अगर आपके वहाँ पे मछली नहीं मिल रही और चिकन भी मिल रहा है, तो आप चिकन भी बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिन में हर रोज एक बार आपको देना है, क्योंकि ये जो फूड ग्रुप है यू नो नॉनवेज का, एक पूरा अलग फूड ग्रुप है, तो आपको हर रोज खाने में वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो
कुछ भी आप दे सकते हैं, अंडा या मछली या मटन या तो जितना आप ज़्यादा देंगे उतना आपको डेफिनेटली उसके वजन में और उसके हाइट में आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ये जो है आपका फोलेट्स, फोलेट्स जैसे आप फॉलिक एसिड देते हो ना, IFA देते हो, फॉलिक एसिड जो केमिकल होता है उसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, जो खाने में जो नेचुरल फूड में मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग फोलेट्स। ठीक है, हमारे शरीर में हम लोग को फोलेट्स की ज़रूरत है। तो क्या होता है कि जब भी हम फॉलिक एसिड की गोली लेती है वो लिवर में जाके फॉलिक एसिड से फोलेट बन जाती है। ठीक है, और फोलेट फिर हमारे जो बहुत सारे जो आपने तो वीडियो देखा ही हुआ है ट्यूटोरियल के, फोलेट में क्या क्या होता है और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आप माताओं को बताइए कि ये सब खाने से उसकी फोलेट की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, और ये जब भी फोलेट्स डायरेक्टली खाएंगे नेचुरल फूड से, नेचुरल खाने से, तो वो जो स्टेप है जो फॉलिक एसिड से फोलेट में कन्वर्ट हो रहा है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इनक्रेज कीजिए। कौन से खाने में फोलेट है? सारे आपके नॉन वेज में है, जिगर में है, अंडे की जर्दी में है। ठीक है, जो समुद्री मछलियाँ है, केकड़ा, झींगे, हिलसा, बॉम्बिल, उसमें है। वेजिटेरियन सोर्स है सारे, वो आपकी भाजियाँ में है, अरबी के पत्ते, पालक के पत्ते, अंकुरित सोयाबीन, अंकुरित मूठ, सेम की फली। ठीक है, राजमा में फोलेट्स की मात्रा ज़्यादा है। सम फ्रूट्स जो है आपके पपीता, आम में भी फोलेट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा आम भी नहीं खाना है क्योंकि बहुत उसमें फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत होती है। तो ठीक है, आपने जब भी सीज़न आया एक आध फ्रूट खाया दिन में वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूट खाने से भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ सकती है। तो फ्रुक्टोज है तो लिवर में फैट बढ़ सकती है। ठीक है, दूसरे दो सब्जियां हैं, एक तो आपका चुकंदर और दूसरा शिमला मिर्च, तो उसमें भी फोलेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो माँ को बताना है कि अलग अलग तरह का खाना खाना है, हमेशा अंकुरित खाना खाना है जिससे उसको उसको गैस ना होए। ठीक है, ये जो है अपना कैल्शियम है, ये है आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम कौन से खाने से मिलेगा? नाउ बहुत टाइम हम लोग प्रेगनेंसी में IFA कैल्शियम, IFA कैल्शियम, आई मतलब आयन, IFA, FA इज फॉलिक एसिड और कैल्शियम। ठीक है, तो माँ को जब भी आप कैल्शियम की गोली दो आपको उसके साथ ये भी बताना है कि कौन से खाने में कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम अगर नहीं होगा तो बहुत सारे उसके परिणाम आते हैं। छोटे बच्चों के खाने में भी 6 महीने के बाद कैल्शियम रिच खाना होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब तक वो माँ का दूध पिलाए तब तक आपको ऊपर का दूध देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बच्चा दही या पनीर खा सकता है, केकड़ा है, सूखी मछली है, बॉम्बिल है, उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, चोले के पत्ते हैं, मेथी के पत्ते हैं, सारे जो अलग अलग पत्ते हैं, जो नीम जो होता है हरा, आपका मीठा नीम, कड़ी पत्ता बोलते हैं, उसका भी पाउडर में भी बहुत कैल्शियम की मात्रा होती है, आपको वो बच्चे के खाने में डालना है। गाजर है, पालक है, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है। ये देखिए, भिंडी है, गवार है, सोया की वड़ी है, सारे अंकुरित आपके मोठ है, दालें हैं, रागी है, रागी जो नाचनी भी बोलते हैं महाराष्ट्र में, रागी, तो उसमें भी कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि गेहूं की रोटी के बजाय अगर आप दूसरी और रागी की रोटी खाएं, रागी में आप ये पाउडर डाल सकते हैं, अलग अलग पाउडर डाल सकते हैं, तिल, उसमें तिल का पाउडर भी डाल सकते हैं उसमें, तो देखिए आप कैल्शियम कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना हो सके आप नेचुरल फूड से कैल्शियम लीजिए। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी कैल्शियम, मतलब ये सारा खाना खाएंगे तो उनको उनकी हड्डियाँ स्ट्रांग रहेगी। ऑफकोर्स उसके साथ उनको प्रोटीन वाला खाना भी खाना है, लेकिन ये रहा आपका कैल्शियम रिच खाना। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो है ये है लो है। सो लो वाला खाना कौन से खाने में रहता है? तो वो है आपका जिगर, मटन, अंडा। अभी आपको तो मालूम होगा कि सारे स्टेट्स में लो की मात्रा कितनी कमी है, आपने NFHS 5 में देखा, राइट? लगभग 60% लोगों में लो की मात्रा बहुत कमी है, स्पेशली वुमेन में। ठीक है, बच्चों में भी बहुत कमी है, तो आपको ये लो पे बहुत ध्यान रखना है।
जो बच्चा नॉनवेज है अगर वो कलेजी खाएगा हफ्ते में एक दो बार तो उसका डेफिनेटली आयन अच्छा होगा, अंडे में भी अच्छा आयन है अच्छा, यू नो, तो बच्चे को हर रोज़ एक अंडा देना है। मछली है, सारे जो पत्ते हैं, कद्दू के पत्ते हैं, ये सारे अलग अलग जो है आपको बच्चे को खाने में देने हैं, माँ को भी देना है, अपनी किशोरी वय की लड़कियों को भी ये सब खाना खिलाना है। सोया देखिए, सोया में कितना सारा वो सोया में बहुत सारा तत्व है, बहुत सारे तत्व है, ठीक है। कमल काकड़ी, कुलथी, सारी दालें हैं उसमें लोह की मात्रा ज़्यादा होती है। बाजरा, राजगिरा, हलीम बीज, हल्दी पाउडर, तो सारों में बहुत अच्छा सा आपका लोह है। एक बात ध्यान में रहे कि लोह वाला खाने के साथ आपको विटामिन सी युक्त खाना भी खाना है। आपने ट्यूटोरियल में वो तो देखा ही हुआ है, तो जितना आप विटामिन सी वाला खाना खाएंगे उतना आपको यू नो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये वाला चाट है वो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम देखिए कि यहाँ पे एक भी नॉनवेज चीज़ नहीं है, तो अगर आप ज़्यादा नॉनवेज खा रहे तो आपको मैग्नीशियम और पोटेशियम वेजिटेरियन सोर्स से आपको लेना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए आपकी जो सारी जो भाजियाँ हैं उसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सहजन के पत्ते हैं, चौलाई की पत्ती है। आपको याद रहेगा कि मैग्नीशियम अगर आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, यू नो, बहुत सर दर्द हो रहा है या तो यू नो पूरी बॉडी एक हो रही है, तो अगर खाने में मैग्नीशियम होगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपके जो मसल में जो क्रैम्प्स होते हैं, जो ऐसे दर्द होता है रात में, यू नो, पैर में, तो वो दर्द होना भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। गवार की फलियां हैं, भिंडी है, केला है, सीताफल है, मैग्नीशियम उसमें भी ज़्यादा होता है। सिंगाड़ा है आपका, बहुत सारी जो फलियां अपने के जो अंकुरित मोठ है, सोयाबीन, लोबिया, देखिए सारी दालें हैं। आपको हर दाल तो हर रोज़ खानी है लेकिन अलग अलग खानी है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तुअर की दाल बना दी हर रोज़। हर रोज़ एक आपको भिगोना है, उसका अंकुरित लाना है और हर रोज़ अलग अलग होनी चाहिए। तो आपको ध्यान में रहे कि बच्चों को भी हर रोज़ अलग अलग दालें खिलाए, सिर्फ तुअर दाल ही मत दीजिए। बीज है, बीज में भी मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। रागी है, कुट्टू है, तो उसमें आपको मैग्नीशियम, बच्चों को और सब लोगों को मैग्नीशियम खाना ज़रूरी है। ये मैग्नीशियम है, ये टाइप 2 न्यूट्रिएंट है, तो वो आपको ध्यान में रहे कि ये अगर कम होगा खाने में तो बच्चे का वज़न बढ़ेगा नहीं, ठीक है। दूसरा वाला ये टाइप 2 वाला न्यूट्रिएंट है, फॉस्फोरस है। देखिए फॉस्फोरस भी जो पहली लाइन है पूरा नॉनवेज में, अंडे में, भेजे जिगर में, ट्यूना फिश है जो है, हिलसा मछली है उसमें होगा, दूध के पदार्थ में भी फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, पनीर है, दही है, सारे जो सहजन का पाउडर है उसमें भी फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। जो अलग अलग मिलेट्स है, अरहर, चौली है, अरहर है, अंकुरित सारे है आपकी दालें, उसमें भी बहुत अच्छा फॉस्फोरस है। कुट्टू देखा आपने, कुट्टू में भी कितना ये है, राजमा, राजगिरा, छिलके वाली मूंग दाल, तो ये सारे में फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम जो बताते, जैसे मैंने बताया ट्यूटोरियल में कि आपके जो मसल्स है उसके लिए पोटेशियम होना बहुत ज़रूरी है। जो जो लोगों में पोटेशियम कम होता है उनको ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है, तो जितना पोटेशियम खाएंगे उतना आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ये ग्रीन हरी हरे सब्जियां हैं, अरबी के पत्ते, पालक, सरसों के पत्ते, जिसमें मैग्नीशियम है उसमें पोटेशियम भी है, ठीक है। तो ये देखिए बथुआ है, आलू में पोटेशियम होता है, देखिए आलू में कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है या तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, तो आप आलू का अगर आलू ना खाए तो अच्छा रहेगा। ये यैम, कमल ककड़ी, उसमें भी पोटेशियम रहता है। देखिए वापस फली आ गई आपकी, सोयाबीन, मोठ, मतलब ये जो अंकुरित जो बोलते हैं दालें सब, राजमा, केला और थोड़े फ्रूट से, उसमें भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। कटहल है, कटहल में शक्कर की मात्रा कम होती है, तो जितना आप कटहल खाएंगे तो उतना अच्छा रहेगा। ये आपका चीकू है, यू नो, आड़ू है, अमरूद है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है जिंक,
जिंक का हम लोगों ने अभी ट्यूटोरियल हमारा बन रहा है, तो आपने जिंक के बारे में नहीं जाना है, लेकिन जिंक बहुत ही ज़रूरी है, धातु है एक, इन्फेक्शन ना होए इसलिए जिंक बहुत ज़रूरी है। तो आपको मालूम होगा कि कोविड के टाइम में बहुत लोग जिंक की गोलियां खा रहे थे, ठीक है। तो ये इन्फेक्शन ना, अगर इन्फेक्शन नहीं आना है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। आपको मालूम होगा कि जो बच्चों को जुलाब होते हैं, हम लोग उनको जिंक सल्फेट देते हैं, राइट, पीएचसी में देते हैं। तो वो जिंक जब भी बच्चा खाता है तो उसका विकास तो होता ही है, लेकिन उसको जुलाब जब भी होता है तो तुरंत जुलाब ठीक होने, जिंक खाने से वो ठीक हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो अगेन नॉनवेज देखिए, नॉनवेज फूड में बहुत जिंक की मात्रा है, स्पेशली जो बड़ी सीप है और समुद्री खाने हैं उसमें जिंक की मात्रा बहुत है, ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा है आपका पनीर, पनीर में भी होता है, तो अगर वेजिटेरियन बच्चा है तो पनीर दीजिए आप। बहुत सारे वेजिटेरियन फूड में भी है, तो जैसे चौलाई के पत्ते हैं, वापस वो आपके जो अंकुरित सोयाबीन है, लोबिया है, काजू में भी जिंक होता है, सिंगाड़ा, सारे दालें हैं अलग अलग, तिल है, बाजरा, मिश्रित बीज है, तो वो आपको बच्चों को उसके पाउडर्स बना के, जैसे में हम लोगों ने पाउडर्स बनाए तो पाउडर तो आपको डालना ही है। देखिए हम लोगों ने सहजन का पाउडर बनाया है, कड़ी पत्ते का पाउडर बनाया है, मूंगफली और तिल का पाउडर बनाया है, तो अलग अलग जो यू नो सहजन मतलब अलग अलग जो बीज है उसके पाउडर बनाए, तो अगर वो बच्चा वो पाउडर खाएगा खाने में तो उसको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे, उसको प्रोटीन भी मिलेगा और सारे बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामिन भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये है आपका विटामिन सी युक्त खाना। ना विटामिन सी क्यों ज़रूरी है? एक तो आपको आपकी चमड़ी के लिए, ठीक है, दूसरा है आपकी जो गम है, जो यू नो पेड़े बोलते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है। दूसरा ये जो आप आयन वाला खाना खाते हैं, तो आयन वाला खाना शोषण होने के लिए आपको विटामिन सी खाना उसके साथ ज़रूरी है, ठीक है। तो कौन सा खाने में आपको मिलेगा विटामिन सी? आंवला है, मेथी के पत्ते, अगेती के पत्ते, धनिया आप डालते हैं खाने में, डालना है आपको धनिया का पत्ता, सहजन के पत्ते पाउडर, बैंगनी पत्ता गोभी जो अलग कलर की आती है उसमें भी विटामिन सी बहुत होता है, बेर होता है, शिमला मिर्च, नींबू का रस, एक ध्यान रहे कि नींबू के रस में आपको शक्कर नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालना है, सेंधा नमक अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली आपको। मौसम्बी का जो मौसम्बी है उसमें भी विटामिन सी है, आम, पपीता, स्ट्रॉबेरी, संतरे का गुदा, कैरी, अमरूद, तो ये सारे में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहे कि आपको ये खाना है, ठीक है। ये जो है विटामिन ए रिच फूड है, ये पूरा आपका एक फूड ग्रुप है विटामिन ए युक्त खाना। तो उसमें कौन से खाने में रेटिनॉल है, रेटिनॉल जो खाना है, रेटिनॉल विटामिन है, उसका तुरंत ही शोषण होके उसका तुरंत ही इस्तेमाल बॉडी में इस्तेमाल होना चालू हो जाता है। तो रेटिनॉल है वो जिगर में है और अंडे में है, ठीक है। बाकी के जो वेज फूड में वो रेटिनॉल नहीं है, दूसरा वाला विटामिन है कैरोटीनॉइड, तो वो उसको वापस बॉडी में जाके वो कैरोटीनॉइड चेंज होकर रेटिनॉल में चेंज होता है और फिर उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे। मेथी के पत्ते, चौलाई के पत्ते, सारे हरी सब्जियों में है, टमाटर में है, गाजर में है, ठीक है। जो भी हरी या तो केसरी पदार्थ है उसमें आपको विटामिन ए की मात्रा मिलेगी, ठीक है। पपीते में भी है। देखिए कड़ी पत्ते का पाउडर आपको डालना है, कड़ी पत्ता मत डालना वरना बच्चा निकाल देगा, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है। वो ये जो दालें हैं, दालें तो आपको देखिए हर रोज कुछ ना कुछ तो वो आता ही है। ये है ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री फैटी एसिड, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि बहुत अच्छी चर्बी है। अगर आपको बच्चा इंटेलिजेंट चाहिए तो प्रेगनेंसी में ओमेगा थ्री खाने की बहुत आवश्यकता है। 6 महीने के बाद भी आपको खाने में उसको ओमेगा थ्री जो है चर्बी वो देनी है। इवन जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, अगर उन्होंने ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स कम खाया तो उनका जो मेमोरी है वो कम हो जाएगा। तो ये सब सारा खाना है वो ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स है, जिगर है, सारे जो नॉनवेज फूड है उसमें ओमेगा थ्री है, स्पेशली मछली, ठीक है। अंडे में भी है, अपने जो फलियाँ है उसमें है, सरसों के बीज में है, अलसी के बीज में है,
तो अमुक तरह के बीज में भी है, अखरोट में है और अमुक अमुक दालों में भी है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेटली देना है बच्चों को, आपको भी खाना है। ये है आपका सल्फ़र का, आपने देखा हुआ था, तो एक सल्फ़र जो है वो आपको मिथियोनिन और सिस्टीन वाले जो खाने हैं उसमें से आपको सल्फ़र मिलेगा। तो ये मिथियोनिन कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? दूध के पदार्थ में मिलेगा, मटन मच्छी के उसमें मिलेगा, अंडा है, चिकन है। देखिए नॉनवेज में मिथियोन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। जो वेजिटेरियन सोर्स है उसमें प्याज है, करेला है, आम है, शकरकंद है, ठीक है। पत्ते में मिलेगा आपको मिथियोनिन और स्कारलेट बीन्स में मिलेगा, ठीक है। तो वो ज़रा ध्यान में रहे कि मिथियोनिन आपको खाना ज़रूरी है। दालों में मिथियोनिन नहीं होता है, तो वो आपको ध्यान में रहे कि जब भी आप दाल खाएंगे तो उसमें मिथियोनिन नहीं रहेगा, ठीक है। ये है सिस्टीन, ये सिस्टीन से भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में सल्फ़र मिलेगा। तो ये आपका सिस्टीन, देखिए सिस्टीन नॉन वेज फूड में भी है और वेज फूड में भी है। अनानास में सिस्टीन मिलेगा आपको, आलू बुखारा है, कच्चा पपीता है, ठीक है, बेर है, अरबी की डंडी है, कसावा है, प्याज है, तो इसमें आपको सिस्टीन की मात्रा मिलेगी, ठीक है। सिस्टीन भी बहुत ही महत्वपूर्ण का अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, एक्चुअली हमारी बॉडी में बनता है लेकिन बाहर से खाने से भी हम लोग को सिस्टीन मिल सकता है। दूसरा है आपका स्वस्थ त्वचा के लिए। बहुत सारी ऐसी मदर्स आती है और हम लोग को पूछती है कि त्वचा के लिए हम लोग क्या खाएं, इसके लिए क्या खाएं। ऑफकोर्स प्रोटीन वाला खाना तो खाना ही है लेकिन विटामिन ए रिच खाना है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो जो न्यूट्रिएंट्स त्वचा के लिए चाहिए वो हम लोगों ने डाला हुआ है यहाँ पे। तो नॉनवेज तो है ही, दूध वाला पदार्थ है, सहजन के पत्ते हैं, बीज है, अंकुरित मोठ, सोयाबीन, वो सारा है, मूंग है, मशरूम, आंवला, अमरूद, केला, तो वो सारा जो है वो त्वचा के लिए है, ठीक है। ये है स्वस्थ बालों के लिए। तो बालों, बहुत लोग बोलते हैं कि बाल गिरते हैं, तो ये सारा जो है प्रोटीन वाला खाना है। ये अलग अलग जो है सारा आप देखेंगे ना, वही का वही है। सल्फ़र खाना भी ज़रूरी है, सल्फ़र, केराटिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेयर, वो बहुत स्मूथ करता है, तो केराटिन बना होता है सल्फ़र का, ठीक है। तो इसमें सल्फ़र वाला खाना भी बहुत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो प्याज है, प्याज खाना है, प्याज लगा भी सकते हैं उसका पानी, प्याज का जो जूस होता है, लेकिन खाने से ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपको। तो ये सारा खाना है जब ज़्यादा सल्फ़र वाला खाना है, ठीक है। प्रोटीन वाला भी है ऑफकोर्स, सल्फ़र जो मिथियोनिन सिस्टीन है वो सारा प्रोटीन ही है एक्चुअली। भूख बढ़ाने वाले जो सब्जियां हैं और खाने हैं सारे, तो वो बच्चों को देना है, भूख बढ़ाने वाले खाने। बहुत टाइम माँ आती है कि बच्चे को भूख नहीं लगती, लेकिन अगर ऐसा खाना देंगे जिसमें टाइप टू वाला खाना ज़्यादा है, टाइप टू प्रकार दो के पोषण तत्व, तो उसका वजन भी बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी, उसको भूख भी लगेगी, ठीक है। तो ये सारा जो है बिल्कुल वही का वही आ रहा है, आप देखिए कुछ फ़र्क नहीं है। सब में अंडा आ रहा है, सब में मछली आ रही है, सब में हरी भाजी आ रही है, सब में दूध दही आ रहा है, ठीक है, सब में बीज आ रहे हैं और सब में ये सारे डाले हैं अलग अलग आ रही है। तो आपको इतना ये आप सोचो कि क्या क्या बहुत टाइम आ रहा है। अगर वो वाला आप खाना देंगे बच्चों को हर रोज़, तो उसका कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको भी खाना है, सिर्फ बच्चों को नहीं देना है, आपके लिए भी इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। विटामिन B12 वाला खाना खाना है। B12 वाला खाना देखिए मोस्टली नॉनवेज में है। ये यहाँ पे तीन लाइन पूरी नॉनवेज की, यहाँ पे तीसरे में दूध डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दूध है, दही है, B12 दही में भी मिलेगा आपको, अंकुरित में भी मिलेगा, घर का बना हुआ अचार जो होता है, ठीक है, उसमें गुड बैक्टीरिया B12 भी वो बनाते हैं, और सूखा कोकम है उसमें भी आपको B12 थोड़ा मिलेगा। लेकिन वीगन नहीं हो सके तो प्रेगनेंसी में वीगन मतलब दूध भी नहीं और नॉनवेज भी नहीं, दूध लेना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, लैक्टेटिंग मदर्स में, छोटे बच्चों में, क्योंकि B12 आपके डायरेक्टली ब्रेन में उसका फंक्शन है, तो आपको वो डेफिनेटली खाना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये है कोलीन।
कोलिन मैंने बताया है कि न्यूरल ट्यूब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेग्नेंट मदर्स को, यू नो, और दूसरे छोटे बच्चों को भी कोलिन खाना जरूरी है 6 महीने के बाद। तो नॉनवेज में है और देखिए मशरूम में है, फूलगोभी में है, सारे अलग अलग यू नो आपके अंकुरित खाने में भी कोलिन की मात्रा होती है, लेकिन जो अंडा है उसमें सबसे ज़्यादा कोलिन होता है। ठीक है, तो आपको कोलिन भूलना नहीं है। ये है आपके बीज, अलग अलग बीज जैसे मैंने बताया। हम लोग जब भी जाते हैं फील्ड में तो जब पूछते हैं कि जब भी आप भोपला लेते हो तो क्या खाते हो भोपले में, तो वो लोग बोलते हैं भोपला खाते हैं अंदर का बीज फेंक देते हैं। आपको भी उल्टा करना है? नहीं, उल्टा नहीं करना है। आपको वो जो बीज है वो भी उसको सुखा के, उसको मतलब शेक के, उसका पाउडर बना के आपको खाना है। ये सारे जो बीज है बहुत ही उसमें मिनरल्स है, ठीक है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे फॉस्फोरस भी है। आपने देखा बीज तो सब जगह आ रहे थे, ठीक है, ओमेगा 3 भी है, अलसी में ओमेगा 3 है। तो सारा जो बीज है आपको खाना है, तो इससे आपको ये कम रहेगा, ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स मतलब जो है कुपोषण के प्रॉब्लम आपके चले जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके बीजों का पाउडर का दसिंग। ये है 6 महीने के बालक के लिए पोषक आहार, तो ये भी मैंने आईसी में डाला हुआ है। देखिए ये सारा आपको बच्चे को देना है, जितना हो सके आप फ्रूट ज़्यादा मत दीजिए, ज़्यादा आपको सब्जी ये सब देना है, और उसके पहले, सब्जी के पहले आपको प्रोटीन रिच खाना चालू करना है। और उसमें मैंने ये भी डाला है कि कैसे उसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो ये भी मैंने डाला हुआ है कि क्या उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फूड चार्ट। अभी मैं आपको दूसरे सेशन में जो प्रेग्नेंट मदर्स और लैक्टेटिंग मदर्स के चार्ट हम लोगों ने बनाए हैं और यू नो जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के चार्ट बनाए हैं, वो मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब तक आपने देखा कि कौन से पोषण तत्व कौन से खाने में मिलेंगे। अभी ये जो आईसी हम लोगों ने बनाया है, तो वो जो गर्भवती महिला है, शाकाहारी महिला है, नॉनवेज महिला है, जो अलग अलग जो है उनको खाने में हर रोज कितना मिलना चाहिए, तो वो हम लोगों ने कोशिश की है। डॉक्टर रत्ना ने अगेन हम लोग को बहुत मदद किया है इसमें। तो ये जो है दूध, दूध के उत्पादन, अंडे, शाकाहारी खाने, खाना खाने वाली गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक दैनिक आहार। तो अगर शाकाहारी माता है और अगर वो अंडा जो अंडा खाती है, तो वो मदर को क्या क्या खाना चाहिए वो मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो ये है जो छोटा चम्मच है वो लगभग 5 ग्राम का है, बड़ा चम्मच है 15 ग्राम का है, एक कटोरी है वो 250 ml की कटोरी है, एक गिलास है वो लगभग 150 ml का है, तो वो आपको देखना है। बड़ा गिलास है तो 250 ml का होगा, छोटा होगा तो 150 ml का होगा। एक छोटा सा फल है 100 ग्राम का है, और एक मुट्ठी है उसमें 40 ग्राम जितना जो अनाज आता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे 40 ग्राम मतलब जो दाने हैं, सूखे मेवे हैं, उसमें एक मुट्ठी में लगभग 40 ग्राम जितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु में अगर माँ घी मक्खन तेल उसे खाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे का जो चर्बी जो मेदू है मतलब जो उसका मस्तिष्क है वो पूरा 50% चर्बी से बना हुआ है। चर्बी हमारे जो सारी पेशियाँ है उसमें जो बाहर की जो लाइनिंग होती है वो पूरी चर्बी की बनी होती है, तो इसीलिए आपको माँ को चर्बी खाना बहुत ज़रूरी है। कितना चर्बी खाना है? लगभग 30 ग्राम जितना, मतलब 6 छोटे चम्मच, ठीक है, या तो 2 बड़े चम्मच, तो वो चर्बी खाना ज़रूरी है। मैं घी मक्खन मलाई है वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। चीनी है, गुड़ है, शहद है, बिल्कुल कम खाने हैं। एक्चुअली मैं तो मना ही करती हूँ बिल्कुल, लेकिन अगर माँ को थोड़ा सा लेना है तो 15 ग्राम तक ठीक है, मतलब 3 छोटे चम्मच, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। दाने हैं, सूखे मेवे हैं, तो उसमें 40 ग्राम एक मुठ और एक 5 ग्राम जितना वो खा सकती है, जो भी दाने हैं सूखे मेवे हैं। मसाले और तिलहन, तिल, जैतून, बीज, सरसों, जीरा, करी पत्ता, सौंफ, इलायची, हल्दी, तो वो जो है वो मसाले है आपको 20 ग्राम जितना लेना है माँ को, ठीक है, 4 छोटे चम्मच।
दाल और फलियां है जो सारे मैंने बताया है, तुअर दाल, मूंग दाल, तो सोयाबीन, लगभग 60 ग्राम लेना है, ठीक है। तो आधी कटी कटोरी पकी हुई गाढ़ी दाल या आधी कटोरी अंकुरित सोयाबीन, ठीक है। तो अगर आप 60 ग्राम है वो कच्चा होगा, कच्चा मतलब कच्चा, तो जब भी आप पकाएंगे तो वो बढ़ेगा। लगभग 30 ग्राम जब भी कच्चा पकाते हैं तो 100 ग्राम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपने 30 ग्राम जितना सपोज़ तुअर की दाल आपने भिगाई और जब भी आप पकाएंगे तो वो 100 ग्राम मतलब आधा वाटी जितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितना लेना है। अगर मेरा जो है रिकमेंडेशन कि जितना ज़्यादा दाल खाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अंडा है तो 2 अंडे खाने हैं दिन में, ठीक है। वो 100 ग्राम एक अंडा 50 ग्राम का होता है, तो आपको 2 अंडे मदर को बोलने हैं कि खाने हैं। अगर ज़्यादा खाएगी तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दूध और दही जो है लगभग दिन में 200 ml जितना दूध और दही लेना है आपको, ठीक है। पनीर है, 50 ग्राम पनीर लेना है, 2 से 3 टुकड़े। ताजे फल है, 200 ग्राम जितने ताजे फल लेने हैं। हरी सब्जियां हैं, 100 ग्राम जितनी हरी सब्जियां, एक कटोरी पतली करी जितना। कंद की जड़े हैं, 50 ग्राम जितना कंद खाना है। रंग बिरंगी सब्जियाँ मतलब 150 ग्राम जितनी आपकी रंग बिरंगी सब्जियां होनी चाहिए, ठीक है। और अनाज है ठीक है। गेहूं का आटा, चावल, कोदो, बाजरा, समाई, ज्वार, बाजरी अलग अलग है, आपको दिन में 90 ग्राम जितना वो खाना है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कितना मतलब कितना होगा क्वांटिटी में। पानी ज़्यादा पीना है प्रेग्नेंट मदर्स को, ठीक है। और ध्यान में रहे कि आपको जो अनाज और दाल है मिक्स करना है, क्योंकि अनाज में लाइसिन नहीं होता है और दालों में मिठियोनी नहीं होता है, तो वो दोनों कंबाइन करना है। उसको हम लोग पूर्ण प्रोटीन बोलते हैं जब भी कंबाइन करते हैं, तो उससे प्रोटीन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका प्रेग्नेंट मदर, जो शाकाहारी मदर है उसको क्या बताना है। इसी तरह हम लोगों ने जो प्योर वेजिटेरियन है, जो अंडा भी नहीं खाती है, तो उसको क्या देना है। मांसाहारी मदर्स को क्या देना है, कितना देना है, तो वो सब अलग अलग चार्ट है, इसके हिसाब से है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या देना है माँ को। ये है दूसरा वाला जो है, ये है मांसाहारी मदर्स है, तो उनको कितना खाना जाना चाहिए, उनके पेट में क्या क्या जाना चाहिए। तो सिमिलरली एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया है वैसे ही इसमें भी है। इसमें मांस और चिकन मटन भी है, मछली भी है, तो 70 ग्राम जितना वो जाना चाहिए उनके खाने में, तो वो उनसे उसको अच्छा प्रोटीन मिलेगा। अंडे यहाँ पे 2 डाले हुए हैं, 300 ml जितना दूध भी डाला हुआ है, ठीक है। ताजे फल है, हरी सब्जियाँ हैं, तो ये आपको ध्यान में रहे कि आपको ये सब खाने में जाना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो वाला है वो है आपका दूध उत्पादन शाकाहारी खाना खाने वाली, मतलब वो दही भी मतलब जो जो अंडा है वो अंडा भी नहीं खाती है। तो अगर अंडा नहीं खाती है तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, दूध की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये सारा जो है वो है अगर वेजिटेरियन मदर्स है तो दाल की मात्रा भी बढ़ेगी, सब की मात्रा, क्योंकि प्रोटीन अभी नॉन वेज फूड से नहीं आ रहा है, तो आपको वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे 2-3 चार्ट है जो मैंने स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए बनाए हुए हैं। ये है मांसाहारी अगर है स्तनपान कराने वाली तो क्या क्या खाना चाहिए। 80 ग्राम नॉनवेज, 100 ग्राम अंडे मतलब 2 अंडे और 450 ml दूध, ठीक है। तो ये जो है आपको इतना प्रोटीन चाहिए स्तनपान कराने वाली माता को। बाकी का जो मैंने बताया वही है। ध्यान में रहे कि इतना प्रोटीन मतलब दोनों प्रेग्नेंट मदर्स और नॉन प्रेग्नेंट मदर्स को जाना चाहिए, ठीक है। ये मदर है जो नॉन वेज नहीं खाती लेकिन अंडा खाती है,
तो देखिए उसमें भी हम लोगों ने अंडे में 100 ग्राम अंडा, 300 ml जितना दूध के पदार्थ, 80 ग्राम जितना पनीर, पनीर की मात्रा बढ़ाई है, ठीक है। तो ध्यान में रहे कि अगर नॉनवेज खा रही है तो 100 ग्राम में उसको 20 ग्राम जितना प्रोटीन मिलेगा, अंडे में उसको एक अंडे में 6 से 7 ग्राम मिलेगा, ठीक है, दूध में एक ग्लास में 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो वो आपको कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह हम लोगों ने नॉन वेज और वेज मदर के लिए बनाया हुआ है। ये जो है स्तनपान कराने वाली माँ को दूध के दूध उत्पादन, तो अगर वो सिर्फ दूध पीती है और अंडा बंडा नहीं खाती है, शाकाहारी है, तो उसमें देखिए दूध की मात्रा बढ़ जाएगी, 400 ml जितना दूध आ जाएगा, पनीर 100 ग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ज़रा ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे वो शाकाहारी होती है उसमें फिर दूध के पदार्थ आपको बढ़ाने हैं उसके खाने में, ठीक है। ये है आपका 6 महीने की आयु के बच्चों में क्या क्या खाना देना है। ये सारे जूत हैं। पहला वाला है स्तनपान, दूसरा अनाज और कंदमूल, तीसरा है आपके दाने और कठोल अंकुरित हुए, ये दही पनीर, मटन मच्छी, अंडा, विटामिन ए से भरपूर खाना, और आठवां है अन्य सब्जी और फल, ठीक है। तो ये आपको ये जो 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 बच्चे 6 महीने के हो गए तो वो माताओं को आपको ये IC चार्ट दिखाना है कि कौन से खाना बच्चे के खाने में जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो लास्ट दो चार्ट है वो है ये जो लास्ट दो चार्ट है ये पूरे कैसे बच्चे को खाना चालू करना है। तो ये वाला खाना है, ये वाला पहला वाला, वो 6 महीने के बच्चे को 4 बड़े चम्मच देने सुबह शाम। आपने वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में ऑलरेडी देखा हुआ है कि कैसे चालू करना है, तो मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन माँ का दूध चालू रखना है और जो भी खाना बनाए वो माँ के दूध में बनाओ, ठीक है। और 1 बड़ा चम्मच मतलब 15 ml, ठीक है। फिर 7 महीने के बच्चे को 3 बार देना है आधा बाटी, एक आधा आधा बाटी 3 टाइम देना है बच्चों को, ठीक है। मतलब 8 महीने के बच्चे को आधा बाटी 4 टाइम देना है, तो एक एक टाइम बढ़ाना है, एक टाइम देके भी स्नैक पड़ गया 9 महीने के बच्चे को, ठीक है। और जो पहले जन्म के बाद जो 1 साल के बाद बच्चे को 5 टाइम देना है खाना, पूरा कटोरी 250 ml पूरा वाला, ठीक है। और ये देखिए ये सारा 6 महीने 6 और 7 महीने के बच्चे को कितना मैश करके खाना दिया हुआ है, लेकिन बहुत गाढ़ा है, पतला नहीं होना चाहिए। जैसे आप चम्मच ऐसे नीचे करें तो एकदम गाढ़ा होना चाहिए, पतला होगा तो बच्चे को कैलोरीज नहीं मिलेगा, प्रोटीन भी नहीं मिलेगा, कोई भी मिनरल्स कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ पानी मिलेगा। तो ध्यान में रहे कि कौन सा कंसिस्टेंसी आप दे रहे हो, ठीक है। दूसरा ये है कि ये है आपके दूसरे जो काउंसलिंग पॉइंट्स है, तो ये सारे पाउडर के पॉइंट्स है कि कौन से पाउडर बना सकते हैं मदर और खाने में डाल सकती है। ये है स्नैक, मतलब दोपहर में अगर मतलब 1 या 2 बार आपको स्नैक देने हैं तो आप ये स्नैक दे सकते हो, गाजर के मतलब पकाए हुए टुकड़े हैं, पनीर है, केले केले की ये है, बच्चा हाथ से पकड़ के खा सकता है 8-9 महीने के बाद। ये है आपके कौन से टेक्निक यूज़ करनी है किचन में, मतलब उसको अंकुरित होना है, उसको भाजना, उसको रोस्ट करना है, ठीक है, शेकना है उसको, उसका फर्मेंटेशन लाना है, उसको भिगोना है, उसको कीर्णन लाना है, उसको आथा बोलते हैं उसको, मतलब फर्मेंटेशन बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी लाना ज़रूरी है, वो वाले खाने में बहुत अच्छे कीटाणु होंगे। 3 वर्ष के जो 30 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उनको कुछ भी कड़क चीज़ नहीं देनी है, उनके लिए अच्छा नहीं है। और ये सारे जो जूत मैंने बताया ऑलरेडी, और जंक फूड नहीं देना है, तो ये भी एक हम लोगों ने डाला हुआ है कि बिल्कुल जंक फूड आपको बच्चों को नहीं देना है, ठीक है, तो ये ध्यान में रहे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके IC चार्ट। बिल्कुल मैं आपको ये अपलोड करूँगी, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी, मैं वो सारे ऑनलाइन अपलोड करूँगी, आप लोग डाउनलोड करके उसका A3 चार्ट बनाएंगे। जो मटेरियल है बहुत अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना है, अच्छे प्रिंटर के पास जाना है आपको, ठीक है। अगर लैमिनेट करवाएंगे तो बहुत बहुत सालों तक ये चार्ट चलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका IC चार्ट, ठीक है, धन्यवाद।